अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एट फाइव और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आप जानते हैं कि अब से कुछ ही देर बाद कौमी असेंबली के इजलास की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। वक्त तय था 4 बजे के बाद का, लेकिन लगभग एक घंटा गुजर चुका है लेकिन अभी तक इजलास की कार्यवाही शुरू नहीं हो सकी। अगर इजलास की कार्रवाई के हवाले से बात की जाए तो 12 तारीख को ये बजट इजलास शुरू हुआ था और ये भी आपको याद होगा कि वज़ीर मुमल्लिकत हमाद अज़हर ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से स्मूथली वो तमाम बजट प्रेजेंट कर सकें, लेकिन अपोजिशन शोर शराबा करती रही और ये रिवायत उसी दिन से एक साइकिल में चल रही है और उस दिन से हम देख रहे हैं लाइक 6 दिन हो गए कि बजट इजलास की कार्रवाई डेली शुरू होती है और इस पर बहस शुरू होनी होती है। तवक्कात यही होती हैं कि बजट इजलास पर आज के रोज़ तो बहस हो ही जाएगी, लेकिन तकरार होती है, शोर शराबा होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि इजलास की कार्रवाई जो है वो अगले दिन पर मुलतवी हो जाती है। तो आज भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आज के रोज भी दोबारा से बजट सेशन शुरू होगा और इस पर आर्ग्यूमेंट्स भी शुरू होंगे। लेट्स सी कि आज के रोज ये इजलास हो पाता है या फिर कल के रोज के लिए मुलतवी हो जाएगा। और ये भी आपको यहां पर अपडेट कर दें कि डेली जो एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं इजलास के और सेशन के, वो बताया जा रहा है उसका खर्चा 1 करोड़ रुपया। अगर देखा जाए तो 6 करोड़ शायद फिर पानी में जा चुके हैं और आज के रोज़ क्या होता है, कुछ फ़ायदा होगा या फिर मज़ीद 1 करोड़ रुपये का नुकसान हो जाएगा, ये भी आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। हमारे साथ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें सोहेल भट्ट, लाहौर से हमारे साथ है हमारे एनालिस्ट राणा अज़ीम साहब। तो सोहेल भट्टी के पास पहले चलते हैं। सोहेल, आज आपके पास क्या इतलात हैं, क्या तवक्कात हैं कि आज का सेशन हो पाएगा या आज भी फिर लगे हुए पैसे ज़ाया हो जाएंगे? ये देखिए, आज भी ऐसा ही लगता है कि जो करोड़ रुपए से ज़ायद खर्चा आता है वो भी कौम को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान इजलास शुरू होने से कबल ही स्पीकर के ऑफिस के बाहर पहुंच चुके हैं। एहतजाज का सिलसिला जारी है और यही स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगी मुस्लिम लीग नून भी हाउस के अंदर। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि जब दोनों पार्टीज के जो सरबराहान हैं जब आपस में मिल बैठते हैं तो ये कहा जाता है कि हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट तैयार किया, हुकूमत ने गरीबों का ख्याल नहीं रखा और हम ऐसा बजट मंजूर नहीं होने देंगे, हम इसके अंदर बेहतरी लाएंगे। तो आप बजाय इसके कि इस बात के ऊपर फोकस करें, आपके पास गोल्डन टाइम है, हुकूमत को तजावीज़ दें, बजट पर फोकस करें। लेकिन दोनों जमातों का, बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का, इस वक्त वाजे तौर के ऊपर एजेंडा ये दिखाई देता है कि किसी ना किसी तरीके के साथ आसिफ अली जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो जाएं, मोहसन दावड़ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो जाएं। सारा जोर इस बात के ऊपर लगाया जा रहा है और उन्हें अगर इस बात का अंदाजा कर लेना चाहिए कि आप पहले जो आपका अवाम के साथ किया गया वादा है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप एहतजाज कर रहे हैं मुसलसल, आप उस जिम्मेदारी को पहले आप निभा लीजिए। गुज़श्ता रोज भी जब भी स्पीकर ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप अपनी तकरीर को कंटिन्यू कीजिए तो आगे से जवाब देते थे कि आसिफ अली जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर, तो 2-3 शख्सियात के नाम के ऊपर वजह क्या है, गरीब अवाम का नाम लेकर और कुछ ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है करप्शन के नाम के ऊपर, उनको रिलीफ दिलवाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को वाजे तौर के ऊपर इस बात का इल्म होना चाहिए कि आपको कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अगर वो जुडिशियल रिमांड के ऊपर है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, आप मुतलका अदालत से रजू कर सकते हैं, ना कि आप कौमी असम्बली के अंदर जहां पर आपने अवाम के मफाद की बात करनी है, अपने बेहतर बजट की तजावीज पेश करनी है, उसमें रुकावट डालकर, उसमें खलर डालकर आप अपना एजेंडा अचीव करने की कोशिश करें। तो अवाम को एक गुमराह करने की कोशिश की जा रही है बजट के नाम के ऊपर तकरीर के अंदर, और जो असल मुतालबा है वो प्रोडक्शन आर्डर का है। देखना होगा कि आज की भी क्या मुस्लिम लीग नून बजट के ऊपर फोकस करती है, लेकिन लगता नहीं है कि वो बजट के ऊपर फोकस करेंगे, उनका फोकस प्रोडक्शन आर्डर है। लेकिन अब इस मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बिल्कुल तहिया कर लिया है कि वो किसी सूरत प्रोडक्शन ऑर्डर तो जारी नहीं होंगे, लेकिन अपोजिशन को डटकर जवाब दिया जाएगा। तो हमें लगता है कि आज फिर माहौल बहुत गर्म होगा, क्योंकि जो कबीना के अंदर भी आज इस बात का फैसला किया गया कि हुकूमती अरकान, कबीना के अरकान बजट की मंजूरी की फिक्र न करें, बजट हर सूरत मंजूर होगा, लेकिन अपोजिशन की तनकीद का, अपोजिशन के जो इल्जाम है उनका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाए। तो लिहाजा आज का इजलास भी बड़ा गर्मा गर्म होगा और खूब इल्जाम तराशियां हमें करती दिखाई देंगी। लेकिन जो इजलास से बाहर आकर गरीब आवाम का रोना रोया जाता है, काश आज उसके हमें रिफ्लेक्शन मिले कि बजट के ऊपर अपोजिशन की जानिब से कुछ मुस्बत तजावीज भी असेंबली में पेश की गई हैं। आप देखना होगा कुछ देर बाद कि क्या वो ऐसी तजावीज सामने आती हैं या नहीं। जी ठीक है राणा जी, अपोजिशन का तो एजेंडा यही लगता है कि प्रोडक्शन ऑर्डर अगर कुछ लोगों को मिल जाए फिर ही सेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है, नाम लिए बगैर फिर बात उनकी जम सकती है?
बिल्कुल नहीं जल सकती ना होगा, मुझे समझ नहीं आती कि क्या इन जिन चार लोगों का नाम लिया जाए, बल्कि दो लोगों का नाम लिया जाए, दो का नाम तो का नाम लिया ही नहीं, लिया ही नहीं, जिन दो लोगों का नाम, दो लोगों जिनका नाम लिया जा रहा है, मुझे बताएं उनके बगैर क्या पूरी असेंबली गूंगी है, क्या पूरी असेंबली चाहलों की है, क्या पूरी असेंबली में बोलने वाला कोई नहीं है, क्या पूरी असेंबली के अंदर पाकिस्तान की अवाम के हकूक की बात करने वाला कोई नहीं है, क्या ये दोनों लोग जो हैं अगर असेंबली में नहीं आएंगे तो क्या पाकिस्तान का जो बजट है वो मंजूर नहीं होगा, क्या बजट पर कोई और ऐसा शख्स नहीं है अपोजिशन की तरफ से जो बहस कर सके। ये तो एक दीवाने का ख्वाब है, ये पागलपन है कि दो ऐसे अफराद जिनको करप्शन की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें इस बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं किया गया कि जनाब वो अवाम की बात कर रहे थे, वो अवामी जलसों में अवाम के हकूक की जंग ला रहे थे और उन्हें 144 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं, एक को नवाज शरीफ ने जो मुकदमात बनाए उसमें गिरफ्तार किया गया और दूसरे के खिलाफ जो ऑलरेडी पनामा में चल रहा था केस उसमें गिरफ्तार किया गया। अब देखने वाली बात तो यह है अवाम को पागल बनाया जा रहा है। मेरा तो तमाम पार्लियामेंट से एक सवाल है कि यह जवाब दिया जाए कि अगर ये दोनों लोग अगर पाकिस्तान से बाहर चले गए होते इलाज के लिए, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर होते, ख्वाजा साद रफीक अपने कारोबार के सिलसिले में बाहर होते और जनाब आसफ अली जरदारी साहब भी दुबई में या किसी और मुल्क होते, तो क्या ये असम्बली का इजलास जो था उनके बगैर रोका जाना था? क्या उनके बगैर जब ये असेंबली में नहीं थे इजलास नहीं होता था? असेंबली के अंदर इतने साबिक वज़रा बैठे हैं, इतने साबिक वज़ीर आज़म बैठे हैं, इतने दानिश्वर बैठे हैं, अगर रात को टीवी पर बैठकर वो बेहतरीन राय दे सकते हैं, अगर वो अपना मौकफ पेश कर सकते हैं, तो इस बजट पर जिसको वो जालमाना बजट कह रहे हैं, जिसको गरीब के लिए दुश्मन बजट कह रहे हैं, जिसको पाकिस्तान की मौशियत के लिए खतरनाक बजट कह रहे हैं, तो उस पर क्यों नहीं बात करते? राजा परवेज अशर साहब उठते हैं कहते जनाब बजट पर, तो हुकूमती बेंचेस से भी तो यही आवाजें आ रही हैं, शोर शराबा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बजट वाकई इतना वीक दिया गया है कि हुकूमत खुद नहीं चाहती कि इस पर बहस हो। बिल्कुल ये बात आपके दुरुस्त है कि मुझे ये पहली दफा मैंने देखा हिस्ट्री में कि पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन से ज्यादा शोर हुकूमत डाल रही है। इस तरह लगता है कि ये जो पार्लियामेंट हाउस है ये पार्लियामेंट हाउस नहीं है बल्कि रीगल चौक है, जहां पर दोनों तरफ जो है वो फरीकैन खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे को ज्यादा गालियां निकाल कर, एक दूसरे पर ज्यादा तनकीद कर, एक दूसरे के खिलाफ ऊंची आवाज में बात करके हम शायद ये मैच जीत जाए। ये असेंबली है, असेंबली में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखें, अब आम आदमी जो है उसको इस असेंबली का, इस पार्लियामेंट का फायदा क्या है? नुकसान हो रहा है, पैसा हमारा, टैक्स हम देते हैं, उस टैक्स से तनहा इनको मिलते हैं, उस टैक्स से TADA इनको मिलता है, उस टैक्स से जो खुराक खाते हैं ये वहां पर जो लंगर खा रहे हैं बेहतरीन वो ये खा रहे हैं, इनको हाउस रेंट वहां से मिलता, हमसे मिलता है, इसको वहां पर जो है आने जाने का अलाउंस हमसे मिलता है, तो ये वहां पर जाकर कर क्या रहे हैं, खेल क्या रहे हैं, सरदारी और साद रफीक, सरदारी साद रफीक ये खेला जा रहा है। बिल्कुल, अगर बाय एनी मींस नहीं होता ऐसा कुछ तो फिर क्या हो सकता है, किस तरह से फिर बजट को इंप्लीमेंट किया जाएगा? देखिए, हुकूमत इस हवाले से वाजे है, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब और उनकी टीम ने, कानूनी टीम ने सारे मामलात का जायजा ले लिया है कि वो बजट हर सूरत मंजूर करवा लेंगे। बहस होना जरूरी थी, जो कि आइंदा 10 दिन के अंदर कंप्लीट होना जरूरी थी और जो भी अपोजिशन ने तजावीज देनी थी मरहलावार उनको इसके अंदर कुछ चीज़ें थी, हुकूमत ने उसके ऊपर रिव्यू करती है, कुछ बेहतर तजावीज़ थी उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें जो वाकई ही मौशियत के लिए, आवाम के लिए बेहतर नहीं है तो उन्हें हजफ किया जाता है, एक प्रैक्टिस पार्लिमानी रिवायत रही है। लेकिन अपोजिशन का चूंकि मूड उस जानिब नहीं आगे बढ़ने का, यही वजह है कि वह हुकूमत जो कि कानूनी लिहाज से अपनी तैयारी कर चुकी है, उन्हें किसी लिहाज से इस बात की फिक्र नहीं है कि अगर अपोजिशन के अंदर उनको हमने अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करती तो हम बजट मंजूर नहीं करवा पाएंगे। वजह यह है जो हुकूमत की जानिब से हाउस के अंदर हमें शोर शराबा और अपोजिशन के ऊपर खूब हमले करने का जो मौका मिल रहा है, उसकी वजह यह है कि इस मामले के अंदर जो करप्शन के अंदर इल्जामात के अंदर गिरफ्तार शख्सियात हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से सबसे ज्यादा डिटरमेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब। उन्होंने अपने आखिरी खिताब के अंदर भी दो टोक अंदाज में कहा था कि वो इनको किसी सूरत स्पेयर नहीं करेंगे, उन्होंने जिस अज्म का इजहार किया था, यही वजह है कि जैसे ही अपोजिशन उन शख्सियात को रिलीफ दिलवाने के लिए कोशिश करती है, माजी के अंदर भी ऐसे प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए, उन शख्सियात ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठकर एक जानिब आप रिमांड पर हैं या जेल में हैं, आपके खिलाफ तहकीकात हो रही है, वहां पर आके आपने मुतलका इदारे के खिलाफ आपने बयानबाजी की, आपने जो एक मुतलका इदारे का कानून का एक जो एक उसकी क्रेडिबिलिटी होती है उसको आप चैलेंज करते हैं। तो अब इमरान खान साहब किसी सूरत नहीं चाहते कि वो लोग जिनके खिलाफ उन्होंने कौम से वादा कर रखा है कि उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी, ना कोई ढील होगी ना कोई डील होगी, तो ऐसी शख्सियात को
का नाम जब भी कौमी असेंबली के इजलास के अंदर लिया जाता है तो इस वजह से हुकूमती बेंचों पर मौजूद मेंबरान को फिर अपनी आवाज बुलंद करना पड़ती है, नारे लगाने पड़ते हैं और उन्हें मुख्तलिफ किस्म के जो उन्होंने स्लोगन तैयार कर रखे हैं वो रेज करते हैं, जिसके नतीजे में पूरे ईवान का माहौल खराब हो जाता है। ये मामला अगर हाउस बजट के दौरान ये इजलास बेहतर अंदाज में आगे चलना है, मुस्बत तरीके से बजट तजवीज को शामिल होना है तो अपोजिशन को इस मुस्बत रवैये का मुजाहरा करना होगा कि बजट का प्रोसेस मुकम्मल होने तक उन शख्सियात का वो नाम ना लें जिन्हें जिनके जो जुडिशियल रिमांड के ऊपर हैं, ये जो करप्शन के इल्जामात के ऊपर गिरफ्तार हैं। लेकिन उनकी जानिब से एक्सक्यूज यही दिया जाता है ना कि वो इलाकों के नुमाइंदे हैं और अगर वो नुमाइंदगी नहीं करेंगे अपने इलाके की तो बजट की बात पे फिर दम नहीं लगता, ये उनका क्रॉस आर्ग्यूमेंट है। ठीक है सोहेल, आप हमारे साथ ही रहिए। राना जी, ये बताइएगा कि जो इत्तेहादियों से रबते हो रहे हैं ताकि बजट जो है अच्छे तरीके से पास हो जाए, काफ लीग का इस पर क्या सोच है? देखिए, काफ लीग भरपूर तरीके से काफ लीग फैसला कर चुकी है वो हुकूमत का ही साथ देगी, वो हुकूमत के साथ मौजूद है। आज लाहौर में उनकी मुलाकात एक हो चुकी है, एक मुलाकात रात को होगी, वो बिल्कुल तहरीक इंसाफ का साथ देंगे। और मैं दूसरी एक टेक्निकल सी बात कर दूं, बजट पर बहस शुरू हो चुकी है, अपोजिशन उसमें हिस्सा ले लिया है। शहबाज शरीफ ने जो एक दो रोज़ कबल जो इजलास कल के रोज़ जो इजलास में बहस शुरू की थी तो वो यही बहस थी, उसने बजट में बहस शुरू कर दी थी। और ये टेक्निकल पॉइंट है कि जब बजट पर वो बहस शुरू कर लेते हैं, चाहे वो 5 लफ्ज़ बोलते हैं चाहे 10 अल्फाज बोलते हैं, और उसके बाद अगर इजलास अर्जेंट भी हो जाता है तो इसका मतलब है उनकी बजट पे इजलास बहस जो है वो शुरू हो गई है। कुछ तजावीज़ होती हैं जो बाई रिटर्न वो लिख के देते हैं, ये भी आइंदा मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये भी आइंदा 2-4 दिन में दे दी जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के 4 MNA जो हैं जो इस वक्त शहबाज शरीफ की लॉबी के साथ हैं, जो कल मौलाना फजलुर रहमान से मिलने भी गए थे, ये आप गौर करें, ये वो मिलने MNA गए थे जो पहले मरियम के साथ बलावल को नहीं मिले। तो इन MNAs ने भी ये यकीन दहानी कराई है कि वो बजट के इजलास में भरपूर शिरकत करेंगे, करेंगे, ये ऐसी कोई बात नहीं है। टेक्निकल तौर पर भी बजट मंजूर होगा, सब कुछ होगा, ये सिर्फ एक पहली बात है कि इसमें आपको मैं करूं कि ये बजट जो है ना सबसे पहले जब यहां से पास होकर चला जाएगा तो फिर सेनेट में जब जाता है तो अगर वहां से कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी कानूनी तरीके मौजूद हैं और उन कानूनी तरीकों से ये अच्छे तरीके से निपट लेंगे, इनको हमसे ज़्यादा बेहतर पता है। और आने वाले दिनों में मैं आपको क्लियर कर दूं, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा सिनेरियो तब्दील होने वाला है। अपोजिशन जो हुकूमत के अरकान तोड़ने की कोशिश कर रही है आपको अगले 4-5 रोज़ में नजर आ जाएगा कि बहुत से अपोजिशन के जो परिंदे हैं वो उड़ के उस कैंप में जा चुके हैं। फिर लेटर ऑन इसको मजीद भी इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। लाहौर हाईकोर्ट में ख्वाजा बरादरान की जमानत किसे खारिज हो गई है? राना जी बताएगा इस केस में पर्टिकुलरली क्या नैब प्रोसिक्यूशन काफी स्ट्रांग है, इसीलिए ख्वाजा बरादरान के वकला कोई कामयाब खास दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, बिल्कुल क्लियर है इसमें। तो एक तो पहली बात यह है कि अदलिया में जहाँ पे केस ट्रायल हो रहा है, जहाँ पे केस की हेयरिंग हो रही है, वहाँ पे बहुत सी शवाहद पेश किए गए हैं। क्योंकि ख्वाजा साद रफीक ने पैरागोन सोसाइटी ली थी, पैरागोन सोसाइटी के हवाले से अब यहाँ पर हम चूँकि सबसे पहले हमने ही ब्रेक किया था और हमने डॉक्यूमेंट्स दिए थे कि ख्वाजा साद रफीक के कितने प्लाट वहाँ मौजूद है, कितनी ज़मीन देने के बाद कितने प्लाट उन्होंने हासिल किए। ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, नदीम ज़िया और कैसर मीन बाट, इन 4 लोगों ने जब ये जगह खरीदी थी वो जगह कितने में खरीदी थी, वो उस वक्त पटवारी वहाँ पे कौन था, फुलरवान का इलाका था, कौन था, किस तरह था, ये सारी चीज़ें जो है सफाई मिसल पर आ चुकी हैं। उसके बाद नदीम ज़िया जिसे इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया था पैरागोन का, वो एक डमी आदमी था। उसके बाद ख्वाजा साद रफीक ने अपनी एक अपने घर के एड्रेस पर एक बाकायदा कंपनी बनाई थी, जिस कंपनी के बाद सादियान कंपनी थी, जिसके बाद ये सारी कंपनियाँ पैरागोन एक्सचेंज, पैरागोन जो है डेवलपमेंट कंपनी, ये सारी चीजें वहां से निकली थी। ख्वाजा साद रफीक के पास कितनी जमीन थी, कितनी प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी, 322 कनाल रकबा, 322 कनाल रकबा जो ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक ने खरीदा, खरीदने के बाद उसकी पेमेंट आज तक नहीं की, मगर उस वक्त हुकूमत में होने की वजह से और उस वक्त एक तगड़ा IG जो आज भी तैनात है उसका उनके करीबी अजीज का इनके साथ पार्टनर होने की वजह से इनको की पूछ नहीं रहा था। ये सारी चीजें जो है सफाई मिसल का हिस्सा बन चुकी हैं। ये साबित हो चुका है कि 2007 में जी ख्वाजा बरादरान का 4 करोड़ पता नहीं 90 लाख रुपए का प्राइस बॉन्ड निकला था और उस रकम से इन्होंने जी ये पैरागॉन सोसाइटी शुरू कर दी, इज इट ट्रू? इतना बड़ा इनका बॉन्ड निकला पता ही नहीं चला? पहली बात है 2007 में जब ये कह रहे हैं,
अगर ये जो प्राइस बोर्ड निकला था ये 2007 से पहले की पैरागॉन सोसाइटी है, 2007 से बहुत पहले की पैरागॉन सोसाइटी है। और जिस वक्त इन्होंने ये पैरागॉन सोसाइटी की जगह रकबा खरीदा था, और जितना रकबा खरीदा था मैंने आपको पांच नाम बताए हैं, ये पांच लोग वहां इफ्तिताकार के आए थे, उसकी वीडियो भी नैब के पास मौजूद है, जिसमें ख्वाजा सादुद्दीन, ख्वाजा सलमान रफीक, नदीम जिया और कैसर अमीन भट्ट ये वहां पे गए।